हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में एक क्वेश्चन प्रूफ करना है हमें। क्वेश्चन दिया है हमारे पास ए मैट्रिक है जिसके एलिमेंट है 3 -4 1 -1। तो हमें सॉल्व दैट करना है। ए की पावर एन इक्वल होना चाहिए 1 + 2n - 4n, और 1 - 2n, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो हमारा ए मैट्रिक्स दिया है 3 - 4 1 -1। अब इसका ए स्क्वायर निकालते हैं, तो इसका ए स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3 - 4 1 - 1, और इसकी मल्टीपल कर देंगे 3 - 4 1 - 1, इनकी मल्टीपल करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल 3 की 3 से मल्टीपल करी तो ये हो गया हमारा 9, और -4 की मल्टीपल 1 से करी तो -4, और यहाँ पर 3 की मल्टीपल हमने 4 से की तो -12, और 1 और -4 की मल्टीपल 1 से करी तो +4, 1 की मल्टीपल हमने 3 से करी तो 3 प्लस, और -1 की मल्टीपल 1 से करी तो -1, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 की मल्टीपल -4 से करी तो -4, और ये +1। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा हमारा 5 - 8 और 2 - 3। अब हमें इस फॉर्म में लिखना है जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया है, जो प्रूफ करना है तो उसी टाइप में लिख लेते हैं हम। तो ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा, 5 को लिख सकता हूँ मैं 1 + 2 × 2, और 8 को लिख दूंगा -4 × 2। उसी प्रकार मैं 2 को लिखूंगा 2, और यहाँ पर -3 को लिख सकता हूँ मैं 1 - 2 × 2। तो ये हमारी 4 बन गई। अगर हम ए की पावर 2 लेते हैं तो इंटू में 2 2 आएगा, और उसी प्रकार अगर मैं ए की पावर n लेता हूँ तो वहीं पर हम इसी फॉर्म में लिख देंगे 1 + 2, और यहाँ 2 की जगह क्या आ जाएगा हमारा n, और यह -4, यहाँ पर भी n, और यहाँ पर भी n, यहाँ पर 1 - 2 × n, यानी कि जब पावर 2 थी तो 2 था इंटू में, और पावर n है तो n हो गया। यही हमें प्रूफ करना था। तो कैसा लगा गाइस वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।